ओम शांति। 37वां प्रश्न, भोग लगाने की सही विधि क्या है? उस समय क्या संकल्प करें और भोग कहां लगाएं? संबंधों का अनुभव कैसे करें? भोग कैसे लगाते हैं? भोग लगाने की विधि क्या है? भोग लगाने से फायदा क्या है? किस चीज का भोग लगाना है? ये सारे प्रश्न पूछे। भोग लगाने की विधि, फायदे, और किस चीज का भोग लगाएं और कहां लगाएं? क्या कहेंगे सुशील भाई, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो क्यों लगाएं, ये प्रश्न है। जैसा अन्न है वैसा मन बनता है, तो भोग क्यों लगाएं? भोग लगाने की परंपरा वास्तव में बहुत पुरानी है, नई नहीं है। जब से भक्ति मार्ग चालू हुआ है तभी से भोग लगाया जाता है, प्रसाद बन जाता है भोग लगाया हुआ अन्न, नैवेद्य कहा जाता है उसे, उसका दिया ही खा रहे हैं। तो एक प्रकार से ये क्या है, कृतज्ञता का भाव, कृतज्ञता यापन, कृतज्ञता का भाव हम प्रकट कर रहे हैं। और क्यों लगाना है, ये उसकी आज्ञा है, ये उसकी आज्ञा भी है। गीता में भी लिखा है, जो व्यक्ति मुझे अर्पण किए बिना ही भोजन स्वीकार करता है वो कौन है? चोर है। अन्न विष्टम जलम मूत्र, ब्रह्मवेद पुराण है उसमें लिखा है, जिस अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है वो विष्टा के समान है। जलम मूत्रम, जिस अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है वह भोजन राक्षसी भोजन है, ऐसा वर्णन है। जो परमात्मा को अर्पण किए बिना ही स्वीकार करता है, शायद उसमें भोग की कामना बहुत है। और अन्न की शुद्धि जो कहा, तो दो तीन जो कारण है, एक तो हम जो भी खा रहे हैं उसको समर्पण कर रहे हैं। संडे की मुरली में बाबा ने शरीर के लिए 5 बातें कही थी। सबसे पहला क्या समझना है, यह देह क्या है? अमानत है। दूसरा, यह देह, इस देह में हम मेहमान हैं। तीसरा, इसी में फरिश्ते का अनुभव। चौथा, जैसे शिव बाबा उस तन में फंसा हुआ नहीं है, वैसे हम भी इस तन में न फंसे। पांचवा, ब्रह्मा ने क्या समझा, ये रथ है। तो ब्रह्मा का शरीर किसका है? शिव बाबा कहता है मेरा नहीं है, ब्रह्मा कहता है मेरा भी नहीं है। तो यह देह जो है इसकी संभाल करनी है, ये अमानत भी है, ये रथ है, इसमें फंसना नहीं है। उस अनासक्ति का एक माध्यम है, क्योंकि सबसे ज्यादा आसक्ति व्यक्ति को भोजन में होती है, चाहे कितना भी बड़ा योगी बन जाए, परंतु स्वाद उसे खींचता है, स्वाद का वो गुलाम रहता है। तो अनासक्ति प्रकट करने का, अनासक्त होने का एक माध्यम भोजन भी है, भोग लगाना। एक तो ये, दूसरा कृतज्ञता का भाव प्रकट करना, और भगवान किस चीज का भूखा है, भोजन का या भाव का? भाव का भूखा है वो, उसे भोजन से, वो ना तो भोजन अभोक्ता है, वो उसे स्वीकार नहीं करता है, वो तो अभोक्ता है, वो भाव को जरूर स्वीकार करता है। किस भाव से
भोजन स्वीकार कराया जा रहा है, किस चीज का भोग लगाए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्त्या प्रेष्यति। मैं पत्र पुष्प और फल ये भी अगर कोई अनन्य प्रेम से, अनन्य भक्ति भाव से, अनन्य भावना से मुझे अर्पण करे तो हे अर्जुन मैं उसे स्वीकार करता हूं। तो किस चीज का भोग लगाए। वैसे तो सूक्ष्म अगर देखा जाए तो एक एक संकल्प का भोग लगाओ, यहां तक बाबा ने कहा है। संकल्पों का भोग सबसे सूक्ष्म वह है। स्थूल में सात्विक भोग, राजसिक भोग और तामसिक भोग तीन प्रकार है। जो बासी चीजें हैं उनका भोग, जो तमो प्रधान वस्तु है, वर्जित वस्तुएं हैं उनका भोग, ऐसी वस्तुएं जो तामसिक श्रेणी में आती है वो सभी वस्तुओं का भोग, वो सभी तामसिक भोग है। दूसरा है राजसिक, राजसिक भोग अर्थात राजसिक भोग अर्थात उसमें दो बातें हैं। एक तो जिसमें बहुत सारी कामनाएं हैं कि हम ये भोग लगाएंगे तो ये मिलेगा, निस्वार्थता, निस्वार्थ भाव नहीं है वहां पर। भोग लगाने के पीछे स्वार्थ निहित है, भोग लगाने के पीछे निहित स्वार्थ है, डील है, सौदा है, ये करेंगे तो वो मिलेगा उससे, वो राजसिक में आता है। और अन्न कैसा है उसमें भी आता है, अति स्निग्ध, बहुत ज्यादा जिसमें मसाले और वो सारी चीजें हैं जो आवेश आवेग उत्पन्न कर दिए, जो चित्त को शांत नहीं होने देती, ऐसी जो चीजें हैं वो सभी राजसिक में आती है। बहुत ज्यादा तीखा और बहुत ज्यादा खट्टा और बहुत ज्यादा मीठा और बहुत वो सारा ही सात्विक भोग, जो कि अनन्य प्रेम भाव से भगवान को स्वीकार कराया जा रहा है। प्रेम है इसलिए स्वीकार करा रहे हैं वह भोग, जो कि शुद्ध है। भोजन की कैटेगरी में भी जो सात्विक भोजन है ऐसा भोजन भगवान स्वीकार करते हैं। उस समय क्या संकल्प करें, एक तो क्यों लगाए। और अगर हम विश्व भर में देखें, भारत भर में तो जितने मंदिर होते हैं वहां पर रसोई घर होता है, वहां पर ही भोजन बनाते हैं। और भोजन उसको कई जगह तो गरीबों में भी बांटते हैं, ब्राह्मणों में बांटते हैं, जितने ज्यादा लोगों को मिले उतना अच्छा समझा जाता है। तो भोजन भगवान को जब अर्पण किया जाता है तो वो प्रसाद बन जाता है, नैवेद्य बन जाता है, उसमें ईश्वरीय गुण भर जाते हैं। और जो उसको खाएगा वो सारे ईश्वरीय गुण उस आत्मा में, उस व्यक्ति में आने लगेंगे। इसके लिए बहुत प्रेम से, अनन्य भाव से भोग लगाना है। दूसरा प्रश्न है जो इसमें नहीं है, कौन लगाए। जो बनाए बस वही लगाए सभी, और जो मधुबन में रहते हैं वो, जो मधुबन में रहते हैं वो वैसा कहने से नहीं होगा, खाने से पहले कैसे लगाए। दूसरा प्रश्न है विधि क्या है, किस विधि से लगाए, किस विधि से लगाए। शुद्धि से, विधि से, सुचिता से, स्वच्छता से और प्रेम से, अनन्य भाव से, श्रद्धा से,
समर्पण भाव से, भोग समर्पण भाव का प्रतीक है, हमारी समर्पणमयता का प्रतीक है भोग, कि जो भी हम खा रहे हैं वो पहले उसे दे रहे हैं। केवल भोजन की बात नहीं है, फिर जो कुछ भी हमें मिल रहा है सबसे पहले उसे हम स्वीकार करा रहे, फिर ही हम ले रहे, तो वो सूक्ष्म बल बनेगा, समर्पणता का जो बल है वो भी प्राप्त होगा। विधि कहा है मंजूबेन, गीत लगा के, और जो लगाते हैं वो बताएंगे, उसके पास जाकर के, कहां पर सूक्ष्म वतन में, भक्ति में कहा जाता है, भक्ति में हवन करते हैं अग्निदेव के सामने, तो वो देवताओं को आह्वान करते हैं, देवताओं को आह्वान करते हैं जिनके प्रति भोग लगाना है, देवताओं को भोग स्वीकार कराते हैं ना, तो उन देवताओं का आह्वान किया जाता है। एक विधि तो ये भी है कि हम ना जाकर उसका ही नीचे आह्वान करें, कि वो ही नीचे आ जाए, ये भी तो हो सकता है। बच्चों वतन में आए कभी बाबा को पुकारे, गीत है ना, कभी तुम आओ कभी मैं आऊंगा, तो उसका आह्वान करना, तो वो नीचे आएगा। एक तो ये, दूसरा हम ऊपर जाए, सूक्ष्म शरीर धारण करके सूक्ष्म वतन में जाए, जैसे दादिया संदेश सुनाते हैं कि आज वतन में पहुंची, फिर बाबा ने ये कहा आ जाओ ऐसी ऐसी बच्ची वगैरह, फिर बाबा बात कर रहे, फिर बाबा को हमने समाचार सुनाया, ये बताया कि भोग में क्या लाया है, है तो ये सब भक्ति मार्ग के जैसा, परंतु प्रेम प्रदर्शित करता है, समर्पण दिखाता है। इसलिए तो पहले तो खुद ही हम उस भोजन को दृष्टि दे और अपनी ही दृष्टि से उसे शक्तिशाली बनाए, और फिर ले जाए, और बाबा फिर उसे दृष्टि दे, और बाबा की दृष्टि से वो भोजन शक्तिशाली बन जाए। उस भोजन में ईश्वरीय शक्तियां भर जाए, डिवाइन पावर्स उसमें भर जाए, इस संकल्प के साथ कि बाबा की दृष्टि उस पे पड़ते ही आज के दिन जो भी मुझ में कमियां हैं, कमजोरियां हैं, वो सारी नष्ट हो जाएगी, और जो जो इस भोजन को खाएगा वो भी उसके हृदय में भी ईश्वरीय प्रेम प्रकट होगा, चाहे कितना भी विरोधी व्यक्ति हो, इसका एक कण दाना भी उसे अगर मिल गया तो भी उसके हृदय में परमात्मा प्रेम की जागृति हो गई, जन्म जन्म से जो आत्मा सो गई है, विस्मृत हो गई है, स्मृतियां जाग उठेगी सारी की सारी, सत्युग की स्मृतियां, अनादि स्वरूप की स्मृतियां, अपने स्वरूप की स्मृतियां, क्योंकि आत्मा का तो स्वभाव ही है प्रेम, सुख, शांति, आनंद, दुख तो उसने अर्जित किया है ना, प्रयत्न किया है, अपनी झोली फैलाई है और उसमें दुख गिरा है, बहुत प्रयत्न से दुख को पाया है, स्वभाव विस्मृत हुआ है, इसके लिए उसे पाने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है, अंदर स्थित होना है, स्वभाव है वो आनंद प्रेम, तो स्वस्वरूप निज स्वरूप निजता में स्थित हो जाए, इस संकल्प के साथ उस भोजन को स्वीकार कराना और भगवान की दृष्टि पड़ते हुए उसे देखना, उस दृश्य को देखना कि उस भोजन पर दृष्टि पड़ रही है और वो भोजन दिव्यता को प्राप्त हो रहा है, उसमें डिवाइन एनर्जी, डिवाइन पावर, और एक महत्वपूर्ण बात, उसमें हीलिंग एनर्जी भर रही है, उस भोजन में हीलिंग पावर आ रही है, ताकि ये भोजन हम भी अगर स्वीकार करें, कोई दूसरा भी उसे स्वीकार करे, तो उसकी जो जो बीमारियां है मानसिक और शारीरिक वो भी समाप्त हो जाएगी। प्यूरिटी में सबसे ज्यादा हीलिंग पावर है इस संसार में,
प्यूरिटी से अधिक हीलिंग पावर और किसी टैबलेट में, इंजेक्शन में, सिरप में नहीं है। सर्व बीमारियों का एकमात्र इलाज अगर कोई कहे तो पवित्रता है। तो वो प्यूरिटी की पावर उस भोजन में भरी जा रही है, हीलिंग पावर उसमें आ रही है। जो जो उसे खाएगा वो सभी निरोग को उपलब्ध होंगे, यह संकल्प। और संपूर्ण स्वच्छता के साथ भोजन बनाने की विधि क्रिया से लेकर तो भोग लगाने तक सभी में शुद्धि हो, सब में पवित्रता हो, पवित्र संकल्प हो, पवित्र भाव हो, मौन हो तो बहुत अच्छा। बनाते समय भी मौन, खाते समय भी मौन, बनाते समय भी मौन। किसके लिए बना रहे, किस भाव से बना रहे, वो सारी चीजें उसमें आ जाती है। मन में संकल्प करना है कि मैं किसके लिए बना रहा हूं। यदि ये संकल्प हो कि मैं इन लोगों के लिए बना रहा हूं, मनुष्यों के लिए, तो ये संकल्प आएगा कि ये टेस्टी बनना चाहिए, फिर वो लोग खाए और फिर मेरी तारीफ करे, ये भाव रहता है। फिर भोजन बनाने वाले को एक माया है, कौन सी? दूसरों की थोड़ी सी खुशामद या थोड़ी खुश कर दे, खुश हो जाए, ये तो अच्छी बात है। परंतु खुश हो जाए पर कोई कुछ कहे ही नहीं आके कि बहुत अच्छा बना, तो कैसा लगता है फिर? इसके लिए कहा निस्वार्थ भाव से भोजन टेस्टी, हजारों चीजें डालने से नहीं बनता है, शुद्ध भाव से बनता है। जितना भाव शुद्ध है, निर्विकार है, निस्वार्थ है, वो पवित्रता के प्रकंपन उस भोजन में समा जाते हैं। तो विधि है संपूर्ण पवित्रता, तो विधि है संपूर्ण शुद्धि, विधि है स्वच्छता, स्वच्छता हो, विधि है मौन, विधि है अधिक आवाज ना हो बनाते समय भी, नहीं तो बहुत आवाज करते हैं बर्तनों का, कम से कम आवाज। विधि है अनन्य प्रेम, विधि है अनन्य भाव, विधि है समर्पण भाव, विधि है उसका आह्वान करना, विधि है या ऊपर चले जाना, स्वयं दृष्टि देना, वो दृष्टि दे रहा है देखना। विधि है धैर्य, उतावलापन नहीं, फटाफट फटाफट भोग और फटाफट कब खाऊं, चखे तो अच्छा है। जब जनरल सबके लिए बनाया जा रहा है तब हाँ लगा सकते हैं, परंतु वो भी आधार ना हो, वो भी आधार ना हो, कोई भी आधार ना हो। कभी कभी सारा ध्यान गीत पर चला जाता है, भोग रह जाता है, इसके लिए मौन ही हो, निःशब्द हो, प्रेम में शब्द तिरोहित हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, केवल प्रेम रहता है, तो वहां पर तो, और शब्दों से परे, आवाज से परे, स्वर से परे जाना है। गीत लगाए तो अच्छा है, न लगाए तो भी अच्छा है। तो विधि, संकल्प क्या करे? प्रेम वाले संकल्प करे कि बाबा आओ, इसको स्वीकार करो। कहां लगाए? सूक्ष्म वतन में, धरती पर। और कहां लगाए? परम धाम में। और कहां लगाए?
कहीं पर भी लगा सकते हैं। संबंधों का अनुभव कैसे करें, ये उसी में प्रश्न है। उसमें भी अलग अलग संबंध का अनुभव किया जा सकता है, कभी बाप को, कभी माँ को, कभी बच्चे को, कभी टीचर को, कभी गुरु को, कभी साजन को, मित्र को। किस चीज का लगाए वो तो कह दिया, कोई भी चीज हो सकती है, परंतु सात्विक हो एक तो, दूसरा किस कमाई से आई है, किस कमाई से आई है, किस तरह से अर्जित किया गया है, वो पैसा कहां का था, किसी को दुख देकर आई है, भ्रष्ट है पैसा, सफेद है काला है क्या है, वो भी उस सब में आता है। दूसरा प्रश्न है, जहां जीत वहां जन्म का भावार्थ क्या है, उसी में आनंद खुशी और संतोष में क्या फर्क है। सभी ने सुना है ये मुरली में, जहां जीत वहां जन्म, क्या समझा है सबने, क्या अर्थ है इसका? प्रकाश भाई, मुरलियों में आता है ये, जहां जीत वहां जन्म, अंतमति सुगति। और बहने बता सकती है? ये संसार की कहावत है। इसका एक्सप्लेनेशन 18 जनवरी की 1980 की मुरली में है, 18th जनवरी 1980 दीदी से मुलाकात, जिसमें बाबा ने कहा है कि ये संसार की कहावत है वास्तव में, जहां जीत वहां जन्म, परंतु वास्तव में क्या है, जहां जन्म वहां जीत। बाबा ने कहा वास्तव में ऐसा है, क्योंकि जब जन्म होगा सतयुग में तो सभी विकारों पर जीत हो चुकी होगी, वास्तव में ये है। परंतु साकार मुरलियों में भी आता है ये, परंतु उस मुरलियों में बाबा ने बहुत ही स्पेसिफिक कहा है कि होना क्या चाहिए, ये है क्या वास्तव में, जहां जन्म वहां जीत। पहले जन्म होगा और उस जन्म में ही सारे विकारों की जीत हो चुकी होगी, तो है वैसा, परंतु ये संसार की कहावत है, ये एक दूसरा अर्थ है उसका। उस मुरली में बाबा ने इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से दिया। वैसे तो साकार मुरलियों में हम इस तरह से समझा जाता है कि जीत पालो कर्मेंद्रियों पर, तो उस अनुसार जन्म होगा, यहाँ कर्मेंद्रिय जीत, वहां राज्य अधिकारी, ऐसा उसका अर्थ हो सकता है, तब जीत हो जाती है, ऐसा भी हो सकता है। एक तो यहाँ का अर्थ है, परंतु बाबा ने जो एक्सप्लेनेशन उस मुरली में दिया है वो ऐसा दिया है कि ऐसा नहीं है, वो होना क्या चाहिए, जहां जन्म वहां जीत, ऐसा होना चाहिए, ये संसार की कहावत है। परंतु हम उसको इस तरह से भी ले सकते हैं, इस संसार के लिए, कि जब हम सारी इंद्रियों पर जीत पा लेते हैं या विकारों पर जीत पा लेते हैं तो फिर नया जन्म होता है। अगला है, आनंद खुशी और संतोष में क्या फर्क है। एक ही वृक्ष के अलग अलग फल है, एक है खुशी। खुशी और सुख दोनों के लिए अंग्रेजी में एक ही शब्द है, हैप्पीनेस। आनंद थोड़ा अलग है, जॉय, जॉय। उसके भी ऊपर है ब्लिस, एक है प्लेजर, उसके ऊपर है सुख खुशी, उसके ऊपर है जॉय और उसके ऊपर है ब्लिस। एक है प्लेजर अर्थात संसार की चीजें, यहाँ की सुविधाएं, यहाँ की वस्तुएं, विषय वस्तुएं, इन सब से जो प्राप्त होता है शॉर्ट लास्टिंग, थोड़े समय का प्लेजर। उसके ऊपर है सुख या खुशी, थोड़ा सा निस्वार्थ सेवा कर लो, किसी की मदद कर ली, परोपकार कर लिया, तो खुशी प्राप्त होती है, हैप्पीनेस। फिर है जॉय, जॉय थोड़ा ऊपर की स्टेज है, जॉय अर्थात जो स्वयं में जॉय प्राप्त होता है, परंतु जरूरी नहीं है कि आत्मा का परिचय है, कवियों को कवि कहो, संगीतज्ञ कहो, या कहो जो
चित्रकार होते हैं, वो जो निसर्ग के सानिध्य में रहते, वो संसार की मोह माया से थोड़े ऊपर रहते, उस तरह के द्वंद्व उनके मन में नहीं होते जो सांसारिक व्यक्ति जो होता है घर परिवार में बंधा हुआ, पर प्रपंच में बंधा हुआ, उनसे वो ऊपर होते हैं। उनको एक जॉय की अनुभूति होती है, उसके ऊपर है ब्लिस, परमानंद, रैप्चर जिसको कहते हैं, एक्सटसी जिसको कहते हैं, वो एक्सटसी, वो रैप्चर, वो ब्लिस, वो आत्मा की समीपता की निशानी है। आत्मा का स्वभाव है आनंद, आत्मा का स्वभाव है। जैसे कहा, बाकी चीजें तो लेनी होती है, परंतु इसे लेना नहीं है, वो है ही। सर्वोच्च अवस्था है आनंद की, आत्मा की। बाकी सभी चीजों के लिए हम कहते हैं कि मैं प्रेम ज्ञान स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप, पर एक शब्द ईश्वर के लिए और आत्मा के लिए एक ही है, वो है सच्चिदानंद स्वरूप। वो भी सच्चिदानंद स्वरूप है, तो मैं भी सच्चिदानंद स्वरूप हूं। सच्चिद आनंद सत्य है, सत है, सत और सत्य में भी अंतर है। तीनों ही कालों में जो सत्य है वह सत, तीनों ही कालों में जो निरंतर सत्य रहता है उसे सत कहा जाता है। सत, चिद, प्रकाश और सच्चिद आनंद, ब्लिस, नॉलेज, एक्सिस्टेंस, ब्लिस। तो ये आत्मा का ही स्वरूप है, चाहे व्यक्ति उसे जाने या न जाने, वो है ही सच्चिदानंद हमेशा ही। केवल आवरण है, अज्ञान है, ढका हुआ है। शास्त्रों में कहा है मल विक्षेप आवरण ने सच्चिदानंद परमात्मा को, आत्मा को ढक रखा है। अशुद्धि है, उसने ढका है। तो आनंद सर्वोच्च अवस्था है चेतना की। खुशी, खुशी संसार में, खुशी शब्द कुछ संसार की चीजें करते हैं तो खुशी होती है, उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। आजकल तो आनंद भी उसके लिए प्रयोग, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। परंतु आनंद फिर भी, और खुशी है, सुख दुख अपोजिट शब्द खड़े हैं, आनंद के लिए ऐसा कोई अपोजिट शब्द नहीं है। आनंद सर्वोच्च अवस्था है। अतीन्द्रिय सुख और आनंद समान है लगभग। आनंद वह चेतना की स्थिति है जिसमें देह का भान नहीं है। वो जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति ज्ञानी हो अज्ञानी हो, कोई भी हो सकता है। आनंद की अनुभूति जैसे ही देह से अलग होगा कोई भी, उसे आनंद की अनुभूति होने लगेगी। भक्ति मार्ग में, संन्यास मार्ग में, कहीं पर भी हो सकती है। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में तीन अवस्थाओं का वर्णन है। एक अवस्था है कि जिसमें वो गा रहा है हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बहुत गा रहा है, झूम रहा है। दूसरी अवस्था है वो थोड़ा सा ऊपर है, वो एकांत में है और कृष्ण के विरह में है, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। तीसरी अवस्था है वो भाव समाधि में है, वो कृष्ण का विरह भी वहां समाप्त हो गया है, बस वो जैसे मिल गया है उसके साथ। तो तीनों ही अवस्था उसकी जो थी वो दिखाया है, वो आनंद की अवस्था थी, क्योंकि तीनों में भी देह का भान नहीं रहता था उसे। तो हर वह अवस्था जो देह के भान से परे ले जाती है वो आनंद के बहुत समीप है। अतीन्द्रिय सुख भी इसको ही कहा जाता है, इंद्रिय जहां नहीं वह सुख। संतोष, कोई चीज प्राप्त हो जाए तो संतोष मिलता है, न प्राप्त हुई तो असंतोष। जो न प्राप्त हुई वो जब प्राप्त हो जाती है तो उसके प्राप्त होते ही संतोष खत्म होता है, अभी दूसरा असंतोष चालू होता है नई चीज के प्रति। जो मिला वो पूरा हुआ, 1 लाख चाहिए तो 1 लाख मिल गए, पर दूसरों ने कहा 1 लाख से क्या होगा, आजकल तो लोगों के पास करोड़ों है। तो अभी दूसरी दौड़ चालू हुई करोड़ की, करोड़ मिल जाए तो उसके बाद फिर दुख। ये संतोष और असंतोष, संतोष वास्तव में वह अवस्था है कि जिसमें जो है, जो है वही यथार्थ लगने लगे, जो नहीं है उसकी इच्छा, उसकी चाह, उसकी दौड़,
वो समाप्त हो गई, जो है उसी में तृप्त। परम तृप्ति का नाम संतोष है। संतोष अर्थात तृप्ति, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, आप्त काम, पूर्ण काम अवस्था चित्त की, जिसमें लगे। और ये केवल और केवल ईश्वरीय प्रेम से ही हो सकता है। संसार की कोई भी चीज आत्मा को भर नहीं सकती। आत्मा अनंत है, इन्फिनिट। संसार की वस्तुएं जो भी है वो आदिअंत वाली है, फाइनाइट है। वो फाइनाइट इन्फिनिट को भर नहीं सकती, कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकती। यहाँ की कोई वस्तु, व्यक्ति, वैभव, वातावरण कभी भी आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकता। आत्मा की प्यास केवल और केवल ईश्वरीय प्रेम से ही भर सकती है, निज स्वरूप में स्थित होने से ही भर सकती है। तीसरा है मैं कुमार, मैं मतलब ये 7 साल से ज्ञान में हूँ। आलस और पवित्रता ने बचपन से ही परेशान किया है। प्यूरिटी अब ठीक है, लेकिन अमृत वेला जाग तो जाता हूँ 1 घंटा, नींद से युद्ध होता है, कुछ प्राप्ति नहीं होती, परमधाम या सूक्ष्म वतन विजुअलाइज नहीं होता, शरीर के साथ ब्रेन भी सुस्त सा रहता है। कृपया समाधान करे जी। समाधान, उसी से शब्द आया है समाधि। समाधि चित्त की वह अवस्था है कि जिसमें कुछ भी असमाधान नहीं है, जहां पर परम समाधान की अवस्था, पूर्ण काम की अवस्था, वह है समाधि। अभी इनकी क्या समस्या है? आलस, अपवित्रता से संघर्ष, नींद, और कुछ भी दिखता नहीं है, कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है, और सुस्ती। क्या किया जाए? क्या किया जाए? जरूर कोई ना कोई श्रीमत का उल्लंघन है, कहीं ना कहीं मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है। ज्ञान की गहराई नहीं है, चिंतन नहीं चल रहा है, सांसारिक चिंतन हो रहा है। सूक्ष्म में इंटरेस्ट जितना होना चाहिए ज्ञान और योग में उतना नहीं है, और अमृत वेले की तैयारी चाहिए। अमृत वेले का महत्व क्या है उसे समझने, अमृत वेले पर किताब बनी हुई है, पहले तो उसका अध्ययन चालू करो। अमृत वेला है क्या, उसका महत्व क्या है, किस विधि से करे, क्या करे उसमें, किस विधि से सोना है। और हो सकता है कि संसार के बहुत सारे साधन हैं, टीवी, मोबाइल और इंटरनेट और सोशल मीडिया, इस पे ध्यान ज्यादा हो सकता है, इस वजह से यह अवस्था है। नींद अदवा क्यों आएगी, जहां पर परम मिलन हो रहा है, आत्मा उससे मिल रही है जो स्रोत है आनंद का, प्रेम का, शक्ति का, जहां चार्जिंग हो रहा है सुप्रीम, उसका शायद इतना महत्व नहीं है, इसलिए यह अवस्था है। और सारे दिन भर हम क्या कर रहे हैं, हार्ड वर्क करना चाहिए कुमार है तो, ताकि शरीर भी थक जाए, बिजी रहना चाहिए ताकि व्यर्थ ना आए। अपवित्रता है, इसका मतलब अभी भी देह का आकर्षण है। देह क्या है इसे नहीं समझा है, देह का वैसा चिंतन नहीं किया जैसा वो है। देह है क्या, या देह के प्रति वैराग नहीं है अभी भी? वासना भिकमंगा बनाती है, मांग होती है उसमें, शायद चित्त उससे ग्रसित है। पवित्रता का महत्व नहीं समझा है, शायद बाबा के महावाक्यों का अध्ययन उतनी गहराई से नहीं किया है जितना करना चाहिए था, इसलिए यह पवित्रता है। और आत्मा में जन्म जन्म से ही अपवित्रता रही है, पहले ही काले हो, कल की मुरली में था ना, और फिर कामचिता में बैठ के और ही काले होते हो, अपने कालेपन का शायद एहसास नहीं, मैं कहां हूं। पहले तो उसकी सूक्ष्मता से और गहराई से हमें पता हो कहां है,
ये सब अगर हो तो फिर अमृत वेला संघर्ष नहीं होगा, नहीं तो कभी अमृत वेला उठ रहे कभी नहीं उठ रहे, कभी उठ रहे हैं परंतु अलग अलग समय पर उठ रहे, उठ रहे परंतु अनुभव नहीं हो रहा है, उठ रहे परंतु नींद आ रही है, आलस आ रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो चलते फिरते करो, चलते हुए अगर नींद ही आती है तो वहां बैठकर नींद करने से तो अच्छा चलते फिरते केवल बाबा से बात करो, अगर वो भी नहीं होता है तो कुछ क्लास सुनो, वो भी नहीं होता है तो कुछ पढ़ो लिखो, या फिर दिन भर में कम से कम एक तीव्र पुरुषार्थ का क्लास सुनो जिससे चेतना जाग जाए। सोई हुई सोया हुआ अंदर का तपस्वी फिर से उठे, तपस्वी तो अंदर सोया पड़ा है, उसको थोड़ा उसको थोड़े धक्के की आवश्यकता है। गीत सुनो कुछ तो करो कि जिससे जुड़ जाए। आजकल के बच्चों को हिंसा डर नफरत तामसिक विचार और वासना जैसे विकारों से निकालकर बाबा की अलौकिक ज्ञानपूर्ण जीवन शैली में कैसे लाया जाए। माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं कि स्कूल कॉलेजों में कोई दुर्व्यवहार करे तो तुम ईंट का जवाब पत्थर से देना। ऐसी परिस्थिति वाले समाज में हम कैसे बच्चों को समझाएं। बच्चों के साथ बिल्कुल सॉफ्ट रहने पर बच्चे बाहरी दुनिया के प्रभाव के कारण अपनी हद पार कर जाते हैं तो उन्हें कैसे रोके। क्या करें बच्चों के साथ, क्या किया जाए ना? पहले तो स्वयं एग्जाम्पल बन जाए एक, और क्या करें बच्चों के साथ, लव और लॉ, और वो कैसे क्या करें बच्चों जैसा थोड़ा बनना पड़ेगा। सबसे पहले तो चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, बच्चे क्या है, वो क्यों ऐसा बिहेव करता है, उसमें जो होता है वो भाव होता है जानने का, क्यूरियोसिटी होती है, और वो यदि हम पूरी ना करें तो वो गलत गलत मार्ग से उस क्यूरियोसिटी को पूरा करता है मित्रों के द्वारा। इसके लिए ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, बच्चों को समझना, बच्चों को ज्ञान मिलाना, और ये तो करो ही नहीं कि उनको ज्ञान मिलाना है, उनको अपने आप आने दो, जबरदस्ती उनके साथ नहीं करना है। जितना जबरदस्ती करेंगे उतना वो और दूर भागेंगे। किसी भी बात की जबरदस्ती नहीं करो। योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, दे आर गिफ्ट ऑफ गॉड। ये नहीं समझो कि वो हम उनके सब कुछ है, हमारा उन पर पूरा अधिकार है। हमेशा ये हम समझते हैं कि हमें उनको सिखाना है। किसी माँ बाप ने ये सोचा कि ये आत्मा हमारे घर में हमें सिखाने आई है, हम इससे कुछ सीखे, ये नहीं सोचते। सोचते हैं कि हम अपने विचार अपनी धारणाएं अपनी इच्छाएं अपनी अपूर्ण कामनाएं इस पर थोप दे ताकि ये पूरी करे। हम महान तपस्वी बनना चाहते थे नहीं बन रहे, ये तो बने। हम ब्रह्मा कुमारी बनने चाहते थे नहीं बनी, कम से कम ये तो सेंटर पर रहे और अपने जीवन को अर्पण कर दे, हाँ इसका कल्याण हो जाए। है तो शुभ भावना, पर उस अनुसार जो प्रयत्न किए जा रहे हैं वो उस आत्मा को भी तो समझना है, वो कौन सी आत्मा आई है, उस पत्ते को समझना है, इस झाड़ के आसपास के सभी पत्तों को समझो, बाबा की महावाक्य है। तुम जहां रहते हो उसके आसपास की जो भी आत्माएं हैं उनके स्वभाव संस्कारों को तुम्हें जानना है, नहीं तो दुखी होगे बार बार। अपनी सारी इच्छाएं तृष्णाएं एक्सपेक्टेशंस आकांक्षाएं वो पूर्ण करे। वो ये सब करने नहीं आया है तुम्हारे घर में, वो अपने हिसाब किताब चुकतू करने आया है, उसका अपना तलवार लेकर आया है। तलवार लेकर आया है तुमसे, इसके लिए सबसे ज्यादा दुख भी उससे ही होगा। ये नहीं समझो कि वो सुख देने आया है, वो हिसाब चुकतू करने आया है। किसी जन्म में क्या होगा क्या होगा हमें क्या पता, शांति स्थापन करने नहीं है, तलवार लेकर आया है ना। पेट से ही लात मारना चालू करता है, तो उसको सबसे पहले तो इनका कुछ भी करने से पहले चाहे वो किस मार्ग पर जा रहा है सबसे पहले तो उससे डिटैचमेंट चाहिए। जितना अधिक मोह होगा, अगर ये प्रश्न मोहवश लिखा गया है
तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। जिसका हमें कल्याण करना है, सबसे पहले तो उससे हम अलग हो, संपूर्ण इमोशनल डिटैचमेंट, साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट, तो ही उसका कल्याण कर सकते हैं। अगर मोहग्रस्त होकर या इस तरह के या अन्य बहुत सारे प्रश्न हम उठाए तो हम ही दुखी होंगे और उनका कल्याण नहीं होगा। वो तभी आएंगे जब हम, सबसे पहले कहा, हम आदर्श हो, हम में वो सारी धारणाएं हो, तो ही वो आएंगे, नहीं तो वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो सब हमें देख देख कर सीखते हैं। बाबा की ज्ञानपूर्ण जीवन शैली, हम केवल उसे खाद डाल सकते हैं, पानी दे सकते हैं, बाकी उसको क्या बनना है वो बनेगा, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हम उन्हें समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबरदस्ती करेंगे तो वो विद्रोह करेगा और वही करेगा जो हम नहीं कहेंगे। ये एक चाइल्ड साइकोलॉजी है कि उसको कहो कि ये नहीं करो तो वो वही करेगा। और दूसरी बात, उसको समझाना चाहिए, उसको जीवन के जो सत्य है उसका उसे छिपा के नहीं रखना है, अवगत कराना है जीवन की, जीवन क्या है, जीवन के सत्य क्या है, असत्य क्या है, नैतिकता क्या है, भ्रष्टाचार क्या है, अश्लीलता क्या है, हर बात से उसे अवगत कराना है, ताकि कुछ अंधकार उसके जीवन में, चित्त में ना रहे। ऐसी उसकी जो भी क्या कहेंगे क्यूरियोसिटी है, वो गलत गलत मार्ग से वो पूर्ण ना करे, उसे हम ही बताएं क्या है सत्य। हमारा जीवन इतना आदर्श हो तो आजकल स्कूल कॉलेजों में, हमारे ओपीडी में बहुत सारे जितने स्कूल है माउंट के, उन सब के टीचर्स आते हैं अपनी अलग समस्याओं के लिए, उनको हम पूछते हैं तो वो इतनी स्ट्रेस में रहते हैं टीचर्स, क्योंकि स्कूल के बच्चे आजकल सुनते नहीं है, गालियां देते हैं, कुछ उनको कहो तो सीधा कंप्लेंट हो जाती है, डर डर के काम करते हैं सभी टीचर्स, जितनी स्कूल है यहाँ पर, एवीएम से लेके तो सोफिया, तो सेंट मैरी से लेके तो सारी निर्मला से लेके सब तो अभी उनका हमको इस तरह से अलौकिक कल्याण, जैसे हम एक टीचर थे जो ज्ञान में थे मेडिकल कॉलेज में, और उन्होंने एक क्लास चालू किया, अब मेडिकल कॉलेज चालू होता था 9 बजे, उन्होंने 8 से 9 राजयोगा का क्लास कंपलसरी सबके लिए, कुछ समय चला, कई लोग उसमें से ज्ञान में भी आए, पर बाद में बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने पूरा विद्रोह कर दिया और वो क्लास बंद करा दिया। अब उसकी भावना तो कितनी श्रेष्ठ थी कि सबको परिचय मिल जाए, सब डॉक्टर्स जो है, डॉक्टर जो बनने वाले हैं वो सभी ज्ञानी हो जाए, परंतु कुछ हुआ और बाद में। तो है बहुत नाजुक टॉपिक। स्टूडेंट्स जो होते हैं, इग्नाइटेड माइंड होता है उनका, बहुत संवेदनशील होते हैं, छोटे बच्चे स्टूडेंट्स, सबको समझाते समय बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, और एकदम जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है उनको, प्यार से, धीरे धीरे, स्नेह से, सब चीजों की को समझाते हुए देना है, और जैसे का लव और लॉ दोनों का बैलेंस, टाइम। हाँ, कभी भी हमेशा चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं, क्योंकि घर वाले के पास टाइम नहीं है सुनने के लिए, उसको बाहर लेके जाते हैं, और घर वाले जो होते हैं वो जजमेंटल होते हैं, हाँ वो जजमेंटल होते हैं, बायस्ड माइंड होता है। काउंसलर जो होता है वो नॉन जजमेंटल होता है, इसके लिए उसके सामने पूरा खोल के बात कर सकते हैं। ये पेरेंट्स, तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो हो ही बुद्धू, मतलब उसके उसको इतना भर देते हैं हेटरो सजेशंस, जिसको कहते हैं, एक है ऑटो सजेशंस जो हम स्वयं को सुझाव देते हैं, एक है हेटरो सजेशंस, जिस बच्चे को बचपन से कहा जाए तुमको कुछ नहीं आता है, तुम बुद्धू हो, तुमको ये नहीं, तुमको वो नहीं, वो अंदर ही अंदर स्वीकार कर लेता है, ये उसका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। उसको शायद हो सकती है कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है, पर उसको हम नहीं समझ कर उसको इस तरह से हम दबाते हैं, और वो अंदर ही अंदर और डिप्रेस्ड होते जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, एप्रिसिएशन बहुत कम करते हैं, अच्छी चीजें उसने की तो उसको दोष देखना, उसको गालियां देना, उसको कंपेयर करना, बाजू वाले ने इतना अच्छा किया, उसके फर्स्ट रैंक, तुम्हारा ऐसा क्यों,
ये जो है ना कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड और ये इस तरह के भाव इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें जन्म देता है, और डिप्रेशन उसमें लोनलीनेस आती है, चाइल्ड डिप्रेशन, कुछ इच्छा नहीं होती है चाइल्ड को बात करने की। कितने हमने देखे यहाँ पर ही अचानक से कुछ तो हो जाता है, स्कूल इतनी सारी स्कूलें हैं, बच्चों को लेके आते हैं वो टीचर्स, वो सिस्टर्स, क्रिश्चियन नंस जो पढ़ाती है, ये बात ही नहीं करता किससे, क्या हो गया, अलग अलग रहता है, खेलता नहीं है, बात नहीं करता, खाने में इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे सारे स्टूडेंट्स। तो ये बहुत डीप साइकोलॉजी है चाइल्ड की, और यहाँ हम बात कर रहे हैं उनको ज्ञान में लाने की, वो तो बहुत दूर की बात है। पहले तो उनको नॉर्मल जो है उसमें आ जाए वो, और ज्ञान में आए ना आए वो तो बहुत ऊपर की बात है, और यहाँ हम सीधा वो सब चीजें बाद में, हम तुम ज्ञान में आ जाओ बस। तो कि हमारे भी थोड़े से ये हो जाते हैं ना, हमारे दो बेटे ज्ञान में चलते हैं, इसमें भी अहंकार समाया हुआ है। अच्छी इच्छा नहीं, ऐसी इच्छा बहुत अच्छी है, परंतु ये कलयुग का अंत है, कलयुग का अंत है, यहाँ वो सब नहीं होगा जो हम चाहते हैं, सब कुछ इस ड्रामा में हर एक का पार्ट है, हर एक जैसा चल रहा है उसमें बहुत कल्याण है। हम ये सोचे कि हाँ वो शुभ भावना रखना अच्छी बात है, परंतु जबरदस्ती नहीं कर सकते हम। यू कैन टेक द हॉर्स टू पॉन्ड टू वाटर, बट यू कैनॉट मेक इट ड्रिंक इट। घोड़े को पानी के पास लेके जा सकते हो, उसको जबरदस्ती नहीं पिला सकते हम। अध्यात्म का पानी तो बिल्कुल नहीं, अगर पिलाया तो भागेगा वो, और फिर उसके आगे ज्ञान में आने की संभावना बहुत कम है। जिसने पहले सब कुछ देख लिया, जान लिया, समझ लिया और फिर छोड़ के चले गए, फिर उनका वापस लाना वो नहीं। एक तो वो लोग बहुत अच्छे जो बहुत विरोध करते, वो आएंगे तो सीधा ज्ञान में आ जाएंगे पूरा, पर जिन्होंने सब देख लिया है, सब जान लिया है, सब समझ लिया है, ज्ञान में चले भी है और फिर छोड़ा, उनके लिए मुश्किल है थोड़ा। जो बचपन से ऐसे कितने दादियों के अंग संग खेले, यहाँ पर प्रोग्राम्स किए स्टेज पर ओम शांति भवन के, वो आज है ही नहीं। हाँ हाँ, छोटे छोटे बच्चे जो दादियों ने बहुत जिनको प्यार लुटाया, वो आज है ही नहीं। हाँ वही करेंगे, और तो कुछ है ही नहीं दुनिया में, वही तो एक है। ओम शांति।